बुलंदशहर में एनसीपी के प्रत्याशी के समर्थन में प्रेस वार्ता करने पहुंचे महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने सीएम योगी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। नवाब मलिक ने कहा कि पीएम मोदी और केंद्र सरकार को झुकाने वाले किसान यूपी में बदलाव करेंगे। नवाब मलिक ने कहा कि सरकार ने अभी भी किसानों की मांगों को पूरी तरह नहीं माना है। कृषि मंत्री कानून वापस लाने की बात कहते हैं। किसानों की मांग अभी भी पूरी तरह से मानी नहीं गई। एमएसपी पे कानून बने, इसको लेके समिति गठन होगी, इसीलिए किसानों ने अपना आंदोलन वापस लिया, लेकिन किसी भी समिति का गठन नहीं हुआ है। तोमर जी जो कृषि मंत्री है वो तो कह रहे हैं कि फिर हम कानून लाएंगे। कानून वापस लिया गया है चुनाव के डर से। हमें लगता है कि केंद्र की सरकार को किसानों ने झुकाया है। केंद्र की सरकार अगर मोदी साहब को किसान झुका सकता है तो किसान उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब की सरकारों को भी बदल सकता है। ये मोदी साहब को समझना पड़ेगा और पूरी तरह से इस चुनाव में किसान और नौजवान ये सबसे बड़ा मुद्दा है। नवाब मलिक ने आगे कहा कि यूपी में बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है और यहाँ सरकारी भर्ती भी बंद है। बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। सरकारी असामियाँ 8.5 लाख केंद्र की रिक्त पड़ी हैं। उत्तर प्रदेश में सरकारी भर्ती बंद है। नवाब मलिक प्रेस वार्ता में आगे बोलते हैं कि यूपी में सरकारी भर्ती के नाम पर फॉर्म भराए जाते हैं, अभ्यर्थी फीस देता है, फिर पेपर लीक हो जाता है। सीएम योगी जवाब दें कि बेरोजगारों को नौकरी देनी है या नौकरी के नाम पर पैसा जमा करना है। सरकारी भर्ती के नाम पे पर्चे भराए जाते हैं, अर्जी मंगाई जाती है, 500 रुपये से लेकर 1500 रुपये इम्तिहान की फीस ली जाती है, पर्चा लीक के नाम पर इम्तिहान रद्द कर दिए जाते हैं। नौकरी देना है कि नौकरी के नाम पर पैसे जमा करना है, ये योगी बाबा को बताना पड़ेगा। नवाब मलिक ने आगे कहा कि सीएम कहते हैं कि यूपी में महिला सुरक्षित है और हाथरस में रेप पीड़िता का जबरन अंतिम संस्कार कराया जाता है। योगी जी कह रहे हैं कि हमारे राज्य में गुंडागर्दी खत्म हो गई, महिलाएं सुरक्षित हैं। हम पूछना चाहते हैं कि हाथरस की बलात्कार को लेके पीड़िता की अंतिम संस्कार घर वालों के मर्जी बिना क्यों कराया? भाजपा के उन्नाव विधायक पर यौन शोषण और रेप का आरोप लगाकर नवाब मलिक ने जमकर निशाना साधा। क्या उन्नाव में आपका विधायक बलात्कार का आरोपी था कि नहीं? उनके गुंडों ने लगातार। किसान और नौजवान सरकार के खिलाफ हैं। आपको बता दें कि बुलंदशहर की अनूपशहर सीट पर एनसीपी सपा और आरएलडी के संयुक्त प्रत्याशी के समर्थन में आज प्रेस वार्ता करने पहुंचे थे नवाब मलिक। Time24 न्यूज के लिए इकबाल सेफी की रिपोर्ट। गांव से शहर तक, राजनीति से सियासत तक, सिनेमा से खेल जगत तक, जनता झेल रही है महंगाई की मार। क्या पाक को मिलेगा जवाब? जनता खिलाएगी कमल या उठाएगी हाथ? किसके सर पर सजेगा सियासी ताज? खबर हमारी दिखाएगी आपको हकीकत। 24 न्यूज, जज्बा सच दिखाने का।